आज मम्मा की इतनी खिदमत क्यों हो रही है? छोड़ो ये बताओ लेना क्या है? कुछ नहीं लेना, कुछ ना कुछ तो लेना है। एक्सबॉक्स तो नहीं मिलेगा। मैं वो गाइस दूसरी वाली यूनिफॉर्म पहनता हूँ स्कूल की, उसके साथ उसके पता नहीं। मैंने कहा कि व्हाइट शूज चलते हैं, कहते व्हाइट मुझे कौन पहनता है? व्हाइट चलते हैं मुस्तफा, कौन स्पोर्ट्स में व्हाइट जूते पहनता है? वो बचपन से आपके व्हाइट ही लिए स्पोर्ट में, कई बार के आयत के हमेशा लड़कियों के होते हैं। आर यू मी फुटबॉल वाले ले दो, ऐसे नॉर्मल वाले वो एडिडास पे मिल जाएंगे, फुटबॉल वाले मिल जाएंगे एडिडास पे, वहीं पर ले चलो फिर। हाँ जी अच्छा, अच्छे से पाँव दबाओ फिर ले चलूंगी। बस बस इतना भी मत जोर चले दो, किडनी टचिंग नहीं रहना, बस चुप नहीं रहना, जल्दी आ। अभी इतना टाइम मम्मी हमारे साथ रहेगी ना, उसका दिल लग गया हमारे साथ रखना अपना। एक महीने की बात है, फिर हम आ जाएंगे, फिर धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। भाई को भाभी को सबको बोला फातिमा का ख्याल रखेंगे, ठीक है? मेरे भी कोई आ जाए जाए तो फिर 5-6 महीने रहिए, 5-6 महीने रहिए हमारे साथ, ख्याल रखना। चलो चलो, तैयब फातिमा को मिल लो, जा रही है फातिमा, सारा दिन फातिमा और तैबा की दोस्ती थी। हाँ फातिमा जा रही है, बाय बाय कर दो फातिमा को, कहती है नहीं जाओ। फातिमा का घर उधर है, फातिमा को जाना है। वैन तक चलो, बाहर छोड़ने चलो। फातिमा बाय बाय, बाय बाय, मगर नाटक मत करो। इधर हमारे साथ बचपन से रही, उसको देख कैसे लगता है? चीज लेने मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, दुम उठा के दौड़ा, दुम कटा के घोड़ा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, ये पहुंच गया घोड़ा। वो देखो ब्रश, देखो कैसे कर रही है उसको। घोड़े को ब्रश कर रही है बू। अम्मी घोड़े को ब्रश कर रही है, देख रही है। बस बस हो गया, ब्रश हो गया। अम्मी मुस्तफा को रोक रोक के, मुस्तफा रुकता ही नहीं है, खाना खाने आएगा तो उस घोड़े पे बैठ के सवारी करके आता है। तैयबा जो ब्रश करा लो, फिर जाना ट्यूशन। वो देखो आयत, वो उसके पूंछ के साथ खेल रहा है, देखो नोबिता को गुस्सा आ गया। आयत अपने भाईजान को बुला के आओ। नोबिता, नोबिता, हाँ वो देखो नोबिता फिर से लड़ रहा है हॉर्स। बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, मौसम देखो कितना प्यारा हुआ हुआ है। आज पूरा दिन ना धूप नहीं निकली, थोड़ी थोड़ी निकली है, लेकिन ज्यादा बादल बने हुए हैं। और देखो ऐसा कुछ मौसम बना हुआ है बारिश वाला, जैसे कभी भी बारिश होगी, बादल बने हुए हैं ना। और इसमें देखो पुदीना लगाया था, कैसे देखो निकल के आ रहा है। थोड़ा सा तोड़ के कहीं पे भी ऐसे मट्टी में लगा दो ना, तो ये निकल आता है और इसकी जड़ें से फैल जाती हैं। मुझे पुदीने वाला कावा पीना होता है ना, तो यहाँ से एक दो पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ। अभी जब से थोड़ा मौसम ठंडा हुआ ना, अब इतना पानी नहीं मिल रहा, लेकिन जब देना होता है ना, तो बस यहाँ से पानी लगा है, यहाँ से नल खोला, यहाँ से पानी लग गया। अब चलते हैं। हवा नहीं चली हुई, लेकिन मौसम ऐसा ठंडा हुआ हुआ है और ऐसे बारिश वाला। और इस साइड पर मैं कब से इस वजह से नहीं आती, क्योंकि इस रूम में होते हैं अब्बू, और यहाँ पे बस कभी कभार आती हूँ, मैं पानी देके जाती हूँ। अब्बू होते हैं मेरे रूम में, तो बस इस वजह से मैं ज्यादा नहीं आती, वो अक्सर सोए होते हैं। और फूल देखते हैं कि कौन कौन से फूल खिले हैं। इस पे भी देखो फूल खिल रहा है, इस पे देखो ऐसा व्हाइट कलर का फूल निकलता है, और ये भी खुशबू वाला। और काफी टाइम से देखो इनकी सफाई नहीं हुई, पत्ते देखो ऐसे येलो येलो हो रहे हैं, तोड़ने पड़ेंगे, सारा नीट करना पड़ेगा। ये तो हर टाइम ताजा और फ्रेश रहता है, लेकिन इनमें से जो है ना, ये वाले जो कटर से देखो इसको कट करना पड़ेगा, सारा येलो येलो हो रहा है, और बाकी ये दोनों तो ठीक है, बस ये वाला ऐसा हो रहा है। और हमने बुलाया था टेलर को, तो ये देखो नीचे है। भाई आप टेलर हो ना? जी यही घर है। चलो टेलर आया हुआ नीचे, देखा है मैंने उनको बुलाया, यही घर है, बोल दो उनको यही घर है। मैं जब तक अपनी नाप ढूंढूं, तो मैं सोच रही हूँ, ये भी मैंने उधर कराची से स्टिच कराया था,
और इसको अभी तक पहना नहीं है और मुझे नाप देनी है टेलर को। देखो कुछ अलमारी से कपड़े निकाल कर लाई हूँ जो मुझे सही है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है। इनमें से एक पहन के चेक करती हूँ, जो मुझे सही आएगा वही नाप देंगे। तो मैंने तीनों ट्राई किए और तीनों में से जो है ना ये मुझे सही है, क्योंकि बाकी जो है ना टाइट हो रहे हैं और ये थोड़ा लूज लूज है, जिस तरह से मैं लूज शर्ट पहनती हूँ। और इनकी स्लीव्स की लेंथ भी देखो काफी बड़ी है और लूज भी है। और इस सूट को मैंने बहुत ज्यादा पहना इस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्का भी और बहुत कम्फर्टेबल है। तो चलो नाप भी इसी की देते हैं। यमी प्यारा ये सिलवा लेना, अच्छा है ये, नाप निकाल यमी। हमें मैं इतनी देर ढूंढ ढूंढ के मुझे यही सही लगी। मेरे कपड़े भी इसी में है ना, सब इसी में। और ये कमीज है ना, इससे थोड़ी सी बड़ी है। अमी 1-2 इंच इतने 2 इंच होगी। और हम सोच रहे हैं कि पहले आप हमें एक सूट सिलाई कर देना, एक अम्मी का एक मेरा, ताकि हम देख लें कि आप कैसे वो बना। लेस भी आप लगा देंगे जी जी, वो आप इनको अच्छा अच्छा खूबसूरत बना के दीजिएगा, क्योंकि हम पहली बार सिलवा रहे हैं। बाजी ने आपको बताया नहीं इसकी? उन्होंने बताया हमें, क्योंकि हम कराची से आए हैं ना, यहाँ पे हम पहली बार सिलवा रहे हैं। सिलवा रहे हैं तो फिर इधर से ही सिलवाते रहेंगे। बस वो टाइम पर और अच्छे बना के दीजिएगा, आगे बस आपसे ही सिलवाएंगे इंशाल्लाह। लेस ना ऑरेंज लगेगी, ये कलर की ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कल का व्लॉग शुरू किया हुआ अभी दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ। कल पूरा दिन थे हमारे घर पे मेहमान, शाम को गए फातिमा भी, देखो कल शाम को गई, पूरा दिन उनके साथ टाइम स्पेंड किया। और जाते हुए फिर रोने लग गई, अम्मी भी रोई, मैं भी साथ में इमोशनल हो गई। ऐसा होता है जैसे फातिमा हमारे साथ रही है 5-6 महीने से, तो ज्यादा ही टाइम लगाया होगा उसने हमारे साथ। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में वो आई थी, हम ईद पे जब गए थे तो तभी आई थी वो वापस हमारे साथ, और काफी टाइम उसने हमारे साथ गुजारा, इस वजह से थोड़ा इमोशनल हो गए। बाकी फातिमा को मैंने अपने एक बच्चों की तरह रखा, जैसे मेरे लिए तैयबा आया था। मुझे ऐसा दिल से वो फीलिंग आती है कि तैयबायत को भी एक दिन मैंने ऐसा देना है, और उसके जब वैसे लास्ट मंथ चल रहे होंगे तो वो मेरे दिल को ना वो चीज़ें लगती थी। तो मैंने फातिमा के लिए हर एक चीज़ का ख्याल रखा, जैसे देर रात तक मैं और फातिमा मूवीज भी ड्रामा भी देखते थे, तो मैं बहुत डांटती थी फातिमा की आदत खराब कर दोगी, उसको सोने दो। तो अम्मी वो मुझे कहती थी मुझे थोड़ी देर और देखना पप्पो, तो मैं अम्मी से कहती थी अम्मी कोई नहीं यही तो टाइम है, फिर वहां पे चली जाएगी तो यही टाइम की पाबंदियां ये सब वहां पे भी उसका शुरू हो जाएगा। लेकिन चलो कोई नहीं है, जितना टाइम यहाँ पर है कोई बात नहीं, इसको मूवीज की मर्जी से देखने दो, ड्रामा देखने दो। जैसे हम पार्क में जाते थे, थोड़ा पहले शुरू शुरू में शर्माती थी झूला झूलने में, कि ऐसा ना बोलें कि इतनी बड़ी है, तो मैं उसको बोलती थी नहीं तुम मजे से झूलो, तुम मजे से गेम खेलो, ये करो वो करो। तो यहाँ पे जब से आई है ना वो एक बहुत ज्यादा, जैसे एक कहते हैं ना हर तरह से, जैसे एक लड़की को दी जाती है आजादी अपने एक माँ बाप के घर पे, मैंने अपनी तरफ से पूरा वो सब किया कि उसको बिल्कुल भी ऐसा फील ना है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम ये मत खेलो और तुम ड्रामा मत देखो क्योंकि अब नहीं लड़कियां नहीं देखती, मूवी मत देखो ये सब। तो मतलब वो मूवीज जैसे फैमिली वाली होती हैं, ऐसा सब कुछ हमने साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। वो खुश होती थी, हंसती मुस्कुराती थी, तो मुझे दिल से खुशी होती थी। और जैसे सुबह कभी कभी ऐसे लेट सोई रहती थी तो अम्मी कहती थी तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, मैं कहती थी अम्मी कुछ दिन है वहां पर जाकर ठीक हो जाएगी, कल को मैंने भी तो इनको देना है। और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि अपने बच्चियों को जैसे अभी से कर रही हूँ, कि यहाँ पर अल्लाह आगे इनके नसीब प्यारे करे, लेकिन जितना टाइम माँ बाप के घर पर होती हैं बेटियां, तो उनको अच्छे से अच्छा जो है ना एक फील कराएं कि हम अपने माँ बाप के घर में एक आजादी की हमने लाइफ गुजारी है, ना कि घुट घुट के गुजारी है। टाइम गुजरने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कब हमारे घर से दूसरे घर में चले जाते हैं। तो जितना टाइम आपके पास है ना, कभी कभी अपने गुस्से पर अपनी चीजों पर कंट्रोल करके इनको प्यार देकर देखो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा फील आएगा। कल को जब अपने घर में चली जाएंगी ना, कम से कम दिल में इस चीज का दुख नहीं होगा कि उस टाइम पे मैंने उसको उस चीज से टोका था, उस टाइम पे वो बच्चा मेरा रो रहा था या मेरी बच्ची रो रही थी तो मैंने वो चीज नहीं दिलाई थी, या फिर जैसे होता है ना उस पर मैंने ये सख्ती की वो सख्ती की। वहां पर तो ये सब चलेगा, अब उसकी आने वाली लाइफ में बहुत कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन जब तक हमारे घर पे थी तो हम उसको अच्छे से रखते। सारा कुछ फिर बाद में बहुत याद आता है, तो याद आने से बेहतर है कि वो टाइम अपना अच्छा सेट करो। जो हमें प्यार देना चाहिए अपने बच्चों को, जितना हो सकता है उनसे फ्रेंडली रहो, उनसे प्यार करो, ताकि आपसे हर एक बात भी शेयर करें और कभी उनको भी दुख ना हो और आपको भी दुख ना हो कि जितना टाइम हमारे साथ रहें तो हमने कभी उन पर इतना ज्यादा सख्ती की थी। अब वैसा भी नहीं है कि बिल्कुल बच्चों पे सख्ती नहीं करो, मेरा बताने का ये बिल्कुल मकसद नहीं था। ये सारे छोटे मोटे काम करते करते ना बच्चों का 2 घंटे का टाइम होता है, वापस भी आ गए। सोच रही थी इतने टाइम से चने की दाल का हलवा बनाना था मुझे, एक बार मैंने खाया था बहुत मजे का लगा था, इस दफा मैंने सोचा कि
मैं खुद अपने घर पे बनाऊंगी, सर्दियों में बहुत मजे का टेस्टी लगता है। तो चलो दाल का हलवा बनाते हैं। और यहाँ पे देखो, जैसे मैं नीचे आई, सबसे पहले हमने किया अपना किचन साफ। और इतने दिन से मैं मसरूफ़ थी, जैसे मतलब बच्चों की बर्थडे पार्टी में ये चीज़ लाना, वो चीज़ लाना, फिर घर पे मेहमान, और उनके साथ फिर थोड़ा थोड़ा हम करते रहे, इतना अच्छे से साफ़ नहीं था। तो जैसे मैं नीचे पहले अच्छे से साफ़ कर दिया और फिर सारा सामान ऊपर रखा। यहाँ पर देखिए काउंटर बिल्कुल नीट हो गया, चूल्हे साफ़ नहीं थे उनको भी साफ़ किए। और साथ में ये देखो, मैं अपने हस्बैंड को ऐसे देख रही थी, मुझे देख के खुश हो रहे थे, तो मैं उनको इसमें से देख रही थी। और इसको भी देखो, मैंने चमका दिया, इसको मैंने वॉश कर दिया, स्टील का है, कुछ दिन पहले ही मैंने लिया था। इसमें सारे मसाले देखो एक साथ रखते हैं, ये भी चमक गया। और बर्तन ऐसे चमक रहे हो स्टील के, और जैसे जार भी ऐसे चमक रहे हो ना, तो किचन में सब पॉजिटिविटी आती है, इतना प्यारा लगता है ना इनकी चमक से। मुझे लगता है किचन भी ऐसे खिला खिला सा रहता है। तो बाकी जैसे जार थे उनको भी मैंने वॉश किया, और ये छोटे छोटे ड्राई फ्रूट के पैकेट में मतलब बचे हुए थे, पैकेट में थैलियों में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इनको भी रख लेती हूँ, और वो मीठा बना रही थी उनमें ये सब काम आएगा। तो इनको भी फिर पहले मैंने वॉश किया, इन सारे जार को ड्राई कर लिया, और फिर सूजी बची हुई थी, सूजी इसमें डाल के रखी, मैदा था, ये सब के मीठे में काम आएगा, तो ये सारा कुछ इसमें फिल करके रखते हैं। और इसके अलावा आप सब के ऐसे कमेंट थे कि काउंटर पे आप इतनी चीज़ें भर के रखते हो, तो आप किचन में रखा करो, सामने मत रखा करो। मैं भी यही चाहती हूँ कि काउंटर बिल्कुल क्लीन हो, अच्छा लगता है, लेकिन नीचे हमारे कैबिनेट में ना इतना स्पेस नहीं है। जैसे कराची वाले बड़े बड़े कैबिनेट थे ना, वो भर देते थे हम, यहाँ के कैबिनेट छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। इंशाल्लाह जब बड़ा किचन बनवाऊँगी तो सब कुछ उसमें रखा करूँगी, ये थोड़ा छोटा है। और इसके अलावा अम्मी यहाँ पे बना रही हैं दाल, बल्कि दाल पक चुकी है और अब तड़का लगने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अम्मी? ठीक हूँ, अल्लाह की रहमत है। वैसे मुझे तो इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इसमें अम्मी ना लाल मिर्ची कम और हरी मिर्ची ज़्यादा डालती हैं, जिससे ना दाल का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो अम्मी आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल का हलवा। हलवा चलो देखेंगे, खाएंगे। रात हमारा मीठा, रात को भी मैंने इसको 12 बजे के बाद ही भिगो के रखा था। और ये देखिए, और अभी देखो, अब तो ये काफी सॉफ्ट भी हो गई होंगी। होगा कि जब ये अच्छे से धुल जाएगी ना, तो इसकी जो स्मेल होती है ना चने की दाल की, देखो अभी भी स्मेल हो आ रही है इसकी, तो वो नहीं आएगी हलवे में। तो इसको मैं 4-5 पानी में वॉश करूंगी। और ये देखो दाल हमने अच्छे से वॉश कर लिए, देखो कितना क्लीन हो गई है ना। इसको बॉईल करने के लिए हमें चाहिए दूध, और पूरा दिन देखो दूध वैसा क्या वैसा पड़ा है। लिया इसमें 1.5 किलो जितना दूध, तकरीबन 6 कप के जितना दूध लिए, 6 कप से थोड़ा ऊपर होगा, कम नहीं होगा, और 1/2 किलो से थोड़ी कम ये दाल होगी। लो दाल भी इसमें डाल देंगे। इसको अभी 10-15 मिनट लगेंगे पकने में, जब तक मैं आटा गूंद लूं, क्योंकि सालन तैयार हो गया है, तो हम रोटियां भी साथ में बना लेंगे। और इतनी देर में चलो हमारा ये काम हो गया, आटा हमने गूंद लिया, और इसको चेक करते हैं। और अभी देखो अभी भी अच्छा खासा इसमें दूध बचा हुआ है, दूध थोड़ा कम होगा तो चूल्हा बंद करेंगे। अब इसको थोड़ा सा टाइम है बॉयल होने में, तब तक हम अपनी रोटियां बना लेते हैं। आज मैं इसलिए आपको रेसिपी बता रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे पसंद है, जो मेरे घर वालों को पसंद है, मैं सिर्फ वही ट्राई करती हूँ। वरना और उसमें मेरी ये भी कोशिश होती है कि सबसे इजी वाली रेसिपी ढूंढ ढूंढ के निकाल के, जो मुझे भी समझ में आए, इजी भी हो, वो सब मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और ये देखो गर्मा गर्म मज़ेदार रोटियां सबकी तैयार हो गई हैं। और इसको देखो, इस पर तकरीबन जो है ना आधा घंटा लगता ही लगता है, आधा घंटा हो चुका है और दूध देखो बहुत कम बचा है। बंद तब करना होता है जैसे ऐसे दाल नज़र आना शुरू हो जाए और हल्का हल्का ऊपर से दूध बचाओ। अब हमारा अगला प्रोसेस है, इसको ग्राइंड करना है। और जैसे आपके घर पर ग्राइंडर हो, जूसर मशीन हो, इसमें अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएगा। और देखो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया।
तो लगता है ये बटन खराब हो चुका है, ये तो चल नहीं रहा। तो चलो वहाँ करते हैं, यहाँ का स्विच पता नहीं क्या हो गया इसको। और ये देखो इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिए, पूरा ग्राइंड हो चुका है, कहीं पे भी दाने दाने नहीं है। इसके लिए मैंने एक कप भरा हुआ और एक आधा कप मैंने घी का लिया है। यहाँ पे देखो हल्का हल्का घी गर्म होना शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने 4 से 5 इलायची ली है, इसको भी डाल देंगे। इसमें हलवा मिक्स करेंगे। देखो इसको इतना देर पकाने के बाद कितना ये स्मूथ हो गया है। इस तरह से जब ये पक जाए फिर हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। इसमें तकरीबन 1 कप के जितना मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। हमारा हलवा हो गया है तैयार और अब जाएगा इलायची पाउडर, आधी चम्मच मैंने ली है। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे। मम्मी अच्छा व्लॉग बनाइएगा मेरा इंशाल्लाह। मम्मी जब मोबाइल पकड़ती है मम्मी इतनी प्यारी लगती है। मम्मी सही जगह पकड़ा है ना, हलवा हमारा दिख रहा है। मम्मी सच सच बताए खुशबू कैसी आ रही है? बहुत प्यारी आ रही है। अब मम्मी मेरी तरफ भी करे, जो मैं जो इसमें सबसे ज्यादा मेहनत है ना वो ऐसे बार बार हाथ चलाए रखना, मसलसल बस यही है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलो प्यारा सा मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें जो है ना सबको सर्व करते हैं। इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। हमें पिस्ते बहुत पसंद है, बच्चों को भी ज्यादा यही पसंद है, तो बस इसमें पिस्ते ही मैंने काट लिए। मजेदार गर्मा गर्म हलवा हमारा तैयार हो गया है और ये इतना टेस्टी इतना मजे का बनता है, आप सब जरूर इसको ट्राई करना। और इसमें ज्यादा मेहनत बस हाथ चलाने पड़ते हैं मुसलसल, बाकी इसमें ज्यादा देखो कुछ गया नहीं, बस दाल का ही बना है। और ये इतना मेरा अब तक का सबसे फेवरेट ये हलवा है, मैं बहुत शौक से इसको खाती हूँ हर टाइम। नहीं खुशबू भी अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है ना। पिछले साल मैंने इसको एक ही बार खाया था, चने की दाल का हलवा हमने पिछले साल किसी के घर पे खाया था और ये मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मैंने उस टाइम से सोचा था मैं इसको एक दिन जरूर बनाऊंगी। हलवे वैसे भी सर्दियों में अच्छे लगते हैं। हाँ सर्दियों में, वैसे ये सर्दियों की सौगात है, बहुत गर्म होते हैं, इसको हम गर्मियों में भी नहीं खा सकते। कर लिया, चलो सबसे पहले अम्मा को ट्राई कराओ। अब ऊपर भाग गए, अब भी ऊपर चला गया, अब ये तो डाले। हाँ अच्छा इधर है, ये लो मेवे वाला, बस चलो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लो मुस्तफा का। अच्छा बना है? लाजवाब। सच में मुस्तफा सोन हलवे वाला आ रहा है? किस चीज का आ रहा है? यूनिक सा टेस्ट है। यूनिक सा टेस्ट है। मैं जो सोच रही थी कि फातिमा की शादी पे वजन कम करने हलवे बना बना के लगते वजन और बढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि ये हलवा तो मुझे वैसे बहुत पसंद है। घर में कोई खाए ना खाए मैं खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी, मैंने खत्म करना है। मैंने अपना हलवा यहाँ पे खत्म किया, बाकी सब ने भी आयत रोना शुरू हो गया, उसका दूध बन गया। और मुस्तफा के देखो ये फेवरेट अनार, लाल कलर के ना, वो मोती जैसे लग रहे। तो चलो सबने खा लिया और इतना बचा है, वो हैवी बहुत है, मतलब टेस्टी भी बहुत है और हैवी भी बहुत है। तो जितना भी हमने लिया था ना बॉल में, बस इतना ही सबने लिया, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा खाया और इतना मजीद लिए। लगता बहुत हैवी है लेकिन दिल भी करता है कि और खाओ और खाओ और खाओ, वजन बहुत तेजी से बढ़ाएगा ये बात देखना। और बाकी ये मैंने ताहिरा सिस्टर और फायजा सिस्टर के लिए भर लिए, सुबह मेरे हस्बैंड जाएंगे देने के लिए। अब और बाकी जो हमारे लिए बचा है वो ये रहा, इसको भी मैंने पैक कर लिया। ये देखो हम वॉक करके वापस आ गए, ऐसी थकावट हो रही है और पीछे देखो कपड़े सारे कैसे लगे हुए ना लाइन से। तो नीचे यूनिफॉर्म के पहनने के होते हैं ना इनर, तो उनको वॉश करके यहाँ पे डाल दिया। वैसे ड्राई तो हो जाते हैं, हल्की हवा लगवाने की जरूरत पड़ती है। बर्थडे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी तो उन्होंने अपने लिए दिए थे एनवलप और वो भी दिखा। तो ये सारे खोलेंगी अम्मी और इसके साथ अम्मी ये तो बताया ना, ये देखो मैंने बताया था कि सेम जैसे आयत का है सेम वैसा तैयबा का भी है। तेरी आंटी ने दिए थे, वो मेरी बहन नहीं है, वो जो आई थी मिलाद पे। हाँ तो जो मिलाद पढ़ने हमारे घर पे आंटी आई थी, ये उनकी तरफ से ये गिफ्ट आए हैं
और ये मैंने अनबॉक्सिंग में इस वजह से नहीं दिखाए थे क्योंकि ये पहले दिन जैसे बर्थडे थी ना उसी दिन आकर तैयबा ने आयत ने दोनों ने खोल दिए थे, उनको सुकून ही नहीं मिला कि हमें देखना है। ये सबसे पहला है तैयबा फ्रॉम ताहिरा जहीर, यम्मी ताहिरा सिस्टर के हैं ये दोनों। तो इसमें है 5000 देखो तैयबा आयत दोनों के सेम होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने तो हमें गिफ्ट भी वो दिए थे ना 5000 आयत का और 5000 तैयबा का दोनों के सेम। सुमेरा बाबर, यम्मी सुमेरा बाबर, सुमेरा ने दिया है कितना 3000 3000 बाबर भाई, बाबर ने दिया, इन्हें भी वही दिया, इसने भी वही दिए पूरे 5000 एक जैसे ही आए। तो बस ये हो गए जो एनवलप में आए थे ये थे, और जैसे जिन जिनने मुझे हाथ में दिए थे जैसे भाई और भाभी ने दिए थे बाका, वो अम्मी उसी टाइम बर्थडे में ही दे दिए थे। तो इन सबको संभाल के रखते हैं, अभी सोने का टाइम था तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाबर भी आया था और सबके जिस जिसका रह गया था, तो हमने सोचा दिखा दें, लेते नहीं है वापस देने भी पड़ते हैं, तो इस वजह से ये वीडियो एक प्रूफ भी हो जाता है कि इतने हमने लिए थे, फिर उनकी उनके बच्चों की बर्थडे होगी फिर उनको देने के लिए जाना है। लाइट ऑफ कर देंगी और मैं चलती हूँ ऊपर, और आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करती हूँ। बस सब सोते हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।